गाइस लेकिन मैं नहीं बोला, तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स होट 40 आईफोन में स्टैंडर्ड रैम गाइस कैसे बढ़ाएं। गाइस अगर आपके फोन में जैसे 8 GB रैम है, अगर आपको प्लस में 6 4 GB मिलता है, या फिर अगर आपके फोन में 6 GB रैम है प्लस में आपको 4 6 GB मिलता है, तो आपके फोन में जो रैम रहता है उसको बढ़ा के आप यूज कर लेते हैं। बट जो आपको प्लस में रैम मिलता है अगर उसको बढ़ा के यूज नहीं कर पाते हैं, तो मैं जैसे आपको सेटिंग करके बताऊंगा सिम से, आपको भी बिल्कुल अपने फोन में सेटिंग कर लेना है। बिल्कुल आप स्टैंडर्ड रैम को बढ़ा के यूज गाइस कर सकते हैं। सेटिंग को पहले ओपन गाइस कर लेना। सेटिंग को ओपन कर लेंगे, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, एक सेटिंग आपको मिलेगा स्पेशल फंक्शन का, इस वाली सेटिंग पर गाइस क्लिक कर लेना। और यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको मिलेगा सोशल टर्बो, उसके ऊपर मिलेगा आपको स्मार्ट पैनल, उसके ऊपर मीम का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर गाइस क्लिक कर देना। अब आपको मीम का जो ऑप्शन है अगर इसको आप इनेबल करेंगे, एक बार में कितना जीबी आप रैम को बढ़ा सकते हैं, 3 GB 5 GB और 8 GB, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम 8 को अगर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, हमारे फोन में जैसे 8+8 GB रैम है और यहाँ पे एक्टिवेट एंड रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप गाइस क्लिक करेंगे आपका फोन क्या ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका फोन बिल्कुल गाइस यहाँ पे ऑन हो जाएगा और आपके फोन से कोई भी चीज बिल्कुल डिलीट नहीं होगा। और जो आपको स्टैंडर्ड की जो इंस्टाग्राम गाइस रैम मिला है वो सेटिंग बिल्कुल यहाँ पे इनेबल हो जाएगी और रैम यहाँ पे बिल्कुल यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप अपने फोन में रैम को बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने आपको सेटिंग बताया सेम से सेटिंग गाइस करके रैम को बढ़ा सकते हैं।